नमस्कार प्रबुद्ध दर्शकों, एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने बातचीत कार्यक्रम में हमारे बीच सादर आमंत्रण दिया था भारतीय जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा भारती जी को, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। दीदी, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है स्टूडियो में, अभिनंदन है। बगैर किसी लंबी पृष्ठभूमि के, चूंकि उमा भारती जी के तारुफ से आप सभी बहुत बेहतर तरीके से परिचित हैं, मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूं। हाल ही में प्रेस क्लब में संपन्न हुई बातचीत में आपने कहा उमा जी की आपकी जान को खतरा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा मुझ पर प्राण घातक हमला हुआ था। जी जी, और वहाँ पर एक ऐसे एलिमेंट को उकसाया गया है जो मेरी जान लेने के लिए सोच सकता है। जी, लेकिन जी, मुझे खतरा है ये शब्द मैंने नहीं बोला है, क्योंकि रक्षा करने का काम भगवान करता है और वो करेंगे। जी जी, हमला हुआ था उस संदर्भ में आपने खतरे का जिक्र किया। अच्छा, भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर आपने की थी, उन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में इस समय पार्टी कहाँ तक पहुँची है? भारतीय जनशक्ति की स्थापना हमने कोई नए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं की है, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिन उद्देश्यों के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी पूजनीय गुरु जी के निर्देशों पर, जी, हम उन्हीं उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे कोई नूतन उद्देश्य नहीं है, खाली मंच नया हो गया है, क्योंकि जो पुराना मंच था भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्यों से भटक गई। जी, और 10 महीने की प्रगति का अगर हम लेखा जोखा करें तो हमने देखा है कि जिस प्रकार का व्यापक समर्थन हमको राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला है जी, और जिस प्रकार के लोग हमारे साथ आए हैं, तो उससे मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से वो काम कर सकेंगे। जी जी, राष्ट्रव्यापी समर्थन की बात चली दीदी, तो मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनशक्ति पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? अभी हमारे पास जो लिस्ट है वो करीब 100 उम्मीदवारों की है जी, और सीटें वहाँ 400 से ज्यादा है जी, तो हो सकता है कि संख्या थोड़ी और बढ़ जाए, लेकिन 100 उम्मीदवार तो निश्चित रूप से हमारे लड़ेंगे। हाँ, प्रखंड। अच्छा, हाल ही में मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए ग्वालियर और सीधी में, वहाँ पर भारतीय जनशक्ति पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, ऐसा क्यों किया उमा जी? क्योंकि इसके पहले के जो उपचुनाव हुए हैं जी, उसमें जो स्थिति हमारी समझ में आई कि जन समर्थन हमारे साथ है, बड़ा तो हम जीत ही गए थे जी, रायसेन विदिशा हम हारे हैं, मैं उस हार को स्वीकार करती हूँ, और पंधाना भी हम जीत गए थे जी, लेकिन दोनों जगह पर, एक जगह पर बड़ा हिंसक हमला किया गया हम मुझ पर और कार्यकर्ताओं पर जी, और बूथ लूटे गए, और दूसरी जगह पर भाजपा के लोग हमारे पोलिंग एजेंट बना दिए गए, क्योंकि हमारे मतदान केंद्र की व्यवस्थाएं अभी हम ठीक नहीं कर पाए हैं, वो हमारी कमी है जी, और मुझे ऐसा लगा कि हमको इस कमी को ठीक करना चाहिए और तब हमको चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए जी, और उस दृष्टि से जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामनंदन शर्मा जी, हम सब ने बैठ करके तय किया कि लगभग जून तक हम कोई चुनाव न लड़े, तो संयोग से चुनाव जून के पहले हो गए, क्योंकि हमको 6 महीने का समय देना था लोगों को, जून के बाद जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय। अभी हम, अच्छा रहा आपने प्रश्न किया, अभी हमारी एक समीक्षा बैठक शुरू होगी संभागों पर, जिसमें इंदौर में भी 12-13 को हो रही है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो लक्ष्य हमने तय किया था उसमें कितनी प्रगति हुई, उसके बाद हम तय करेंगे कि जून तक वो प्रतिबंध रहेगा कि आगे बढ़ेगा या उसके पहले हटा लेंगे। जी जी जी, अच्छा उमा भारती जी, भारतीय जनशक्ति पार्टी का जब निर्माण हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, तब ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका, बड़े नामों को जो गिनाए जा रहे थे, वो भारतीय जनशक्ति पार्टी से जुड़ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बहुत बड़े नाम बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हों, तो क्या उस समय वो धारणा गलत थी या भविष्य में कुछ होने की संभावना महसूस करती है? मुझे लगता है मदन लाल खुराना, संगप्रिय गौतम, तपन सिकदार, प्रहलाद पटेल, रघुनंदन शर्मा, ये बड़े ही नाम हैं जी जी, वही गठन के बाद ही आए हैं, निरंतर आते जा रहे हैं जी जी, बाकी देखिए सत्ता का प्रलोभन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है जी, और कई लोग तो सत्ता छोड़ के आ गए, जैसे गौरीशंकर शेजवार, टेक्निकली हमारे मेंबर नहीं हो सकते, नहीं तो उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी जी, और हम नहीं चाहते कि उनकी सदस्यता रद्द हो, अन्यथा आप टेक्निकली यदि आप नहीं जान सोचें तो राजनीतिक तौर पर वही तो हमारे प्रतिनिधि हैं विधानसभा में जी, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि इतने महत्वपूर्ण पदों पर, अगर गौरीशंकर शेजवार हमारे साथ ना होते तो आज वो डिप्टी सीएम की हैसियत के होते, वो सीएम भी हो सकते थे जी जी, और इसके बाद में भी सारे प्रलोभनों को छोड़ करके मेरे साथ में है जी, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपको जिस तरह से जनसमर्थन मिल रहा है उससे आपकी आशाएं बलवती होती हैं क्या? मैं निराश होती नहीं जी जी, क्योंकि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र कर रही थी कि व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व कैसा है
जी, ये बहुत जरूरी होता है राजनीतिक जीवन में। तो मैं निजी तौर पर बहुत ही सुखी संतुष्ट हूँ। जी जी, वो जो निजी जीवन का सुख और संतोष है, मतलब मैं अपने आप में एकदम स्थित हूँ आनंद में। जी जी, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी चीज से वंचित हूँ। मुझे लगता है कोई चीज मेरे पास नहीं है तो वो तो इसलिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं। जी जी, और तो जो अपने आप को वंचित अनुभव नहीं करता वो सुखी संतुष्ट होता है। जी जी, तो इसलिए हमको तो निराशा आएगी ही नहीं कभी। जी, ये तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक दर्शन आपने व्यक्त किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमा भारती जी, इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आपके जो बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही सकारात्मक है। तो ये क्या संकेत देता है, क्या कोई किसी तरह का राजनीतिक संकेत भी है ये? नहीं, हमारा देखिए विचारधारा हमने उन्हीं से सीखी, स्वदेशी हो चाहे हिंदुत्व, हम जो बने हैं उनके बनाए बने हैं, इसलिए हमारा उनके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। बाकी मीडिया में उनके बारे में डिस्कस नहीं करती, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात आई तो मैं इतनी कह के रह गई कि स्वदेशी हो हिंदुत्व हो, इन पर जो हमारी आस्था है वो वहीं से आई है, वो भी छोड़ देंगे लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे उसको। अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि उन्होंने ऑफिशियल डिक्लेरेशन कर दिया कि हम हिंदुत्व स्वदेशी छोड़ते हैं, लेकिन मैं कहूंगी मैं नहीं छोड़ती, मेरा कन्विक्शन है, मेरा उस पर विश्वास है। जी जी, हिंदुत्व और स्वदेशी पर आपका यकीन बरकरार रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट लाइट मूवमेंट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और उत्तराखंड नए बेसिन हो सकते हैं उनके, और जिन जगह पर भाजपा की सरकारें हैं वो भाजपा की सरकारें ही उनकी देन का कारण हो सकती है, क्योंकि एक फ्यूडल एलिमेंट, एक सामंती, और वो भी आतंकी सामंत, सामंत अपने आप में बुरा शब्द नहीं है। जी जी, लेकिन सामंतवाद आज आतंक का अपराध का पर्याय बन गया है। जी, वो बहुत बड़े हिस्से में मध्य प्रदेश के रहा है, अरुण सिंह और दिग्विजय सिंह के समय पे पनपा है। जब भाजपा के लोग अक्षम हो गए मेरा मुकाबला करने में, तो उन्होंने उस एलिमेंट को बढ़ावा दिया है ताकि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से खत्म कर दे, मार डाले मुझे कभी। और उसका जो दुष्परिणाम होगा वो नक्सलाइट मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि गरीब लोगों को एक सहारा दिखता था। जी, और अगर मान लीजिए मेरे साथ ही कोई हादसा हो गया, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी हो गया जैसे सोरेरा में हुआ था, तो वो गरीब लोग अगर अपने आप को असहाय अनुभव करेंगे तो फिर हथियार उठाएंगे। उत्तराखंड में जो मुझे लगता है कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अगर फिर से पैदा हुए जैसे भाजपा के पहले सरकार में हुए थे, जी जी, तो फिर वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि चाइना बिल्कुल नजर लगाए है, जो चाइना से सपोर्टेड नक्सलाइट ग्रुप्स हैं वो नजर लगाए हुए हैं अपने उत्तराखंड पर। तो मुझे दो नए राज्य लग रहे हैं जहां नक्सलाइट अपना विस्तार कर सकते हैं, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, इसलिए यही लोग जिम्मेवार होंगे। अच्छा उमा जी, आपने कहा हादसा हो गया, इसका अर्थ कहीं और कहीं आप आशंकित हैं कि कुछ आपके साथ घटित हो सकता है? वाह, घटित वही गया था, मैं तो बची हूँ, तो पता नहीं क्यों बची, वो तो चमत्कार है। मुझे 1000 लोग हथियार लेकर के घेरे हुए हैं और पुलिस उनको बचा रही है। जी, मतलब वहाँ आईजी डीआईजी एसपी सब थे और उनको उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। जी, अब इसलिए उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि जब लोगों को खबर लगी कि मुझे 1000 अपराधियों ने घेर लिया है, जी, तो 10000 लोगों ने गांव घेर लिया। जी जी, तो आप आश्चर्य करेंगे कि जब तक वो मुझे घेरे रहे तब तक पुलिस नहीं आई। जी, और जब उन अपराधियों को गांव के लोगों ने घेर लिया तब पुलिस आ गई, उनको अपने प्रोटेक्शन में निकाल के ले गई। जी जी, अच्छा ये सीधा सीधा आपको लगता है कि इन अपराधियों को प्रश्रय भारतीय जनता पार्टी का ही था? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सफाईकरण हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं। जी जी, आप देखिए ना, इनका जब अध्यक्ष बना तो ग्वालियर में जिस तरह से बंदूकें चली, लोगों को लग नहीं रहा था भाजपा के लोग, लोगों को लगता था डकैत घुसे हैं नगर में, अपने करतूतों से ही साबित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का डकैतीकरण की दिशा में इस तरह के शब्द तो मैं नहीं बोल पाती, सफाईकरण कहूंगी, सफाईकरण, सफाईकरण, सफाई, सपा जैसा हो जाए। जी जी, सपा, मुलायम समाजवादी पार्टी, सफाईकरण, अच्छा उमा जी, हाल ही में संपन्न पंजाब और उत्तराखंड में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षाकृत विजय हासिल की है, क्या इससे ऐसे संकेत मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्रीय सत्ता की तरफ बढ़ने वाली जो जनमत है उसके तरफ बढ़ोतरी कर रही है? देखिए, आजकल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो गया है जी, सही बात को भी गलत बता देने में और गलत को सही बता देने में। उत्तराखंड में तो उनको बहुमत ही नहीं मिला। जी जी, उनकी जो लंगड़ी सरकार है और उनके लिए तो शर्म की बात है, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हो गया कि उनको बहुमत नहीं मिला, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी में बहुमत उसी पार्टी को मिलता है ना जो दूसरी बड़ी पार्टी होती है। देखिए, इनको महाराष्ट्र में हार मिली, इनको गोवा में हार मिली, इनको असम में हार मिली और अब इनको उत्तराखंड में हार मिली, और पंजाब में तो अकालियों को जीत मिली है। प्रकाश सिंह बादल की जो छवि है वो इतनी अच्छी है, वो अमरिंदर इतनी बुरी तरह से गिर गए थे लोगों की नजर में, तो प्रकाश सिंह बादल के सहारे यानी अकाली दल की दुम पकड़ के लोग आगे बढ़े हैं, और उत्तराखंड में जहां इनको अपनी दम पे सरकार बनानी थी वहां इनको एक सीट कम पड़ गई। मतलब वो तहत में नहीं खड़े हैं, मुझे तो लगता है हर जगह बाहर रहे हैं। हाँ, आप जिस दिन से मेरे जैसे लोग निकल के बाहर हो गए उस दिन से एक जगह जीत का दावा नहीं कर सकते, महाराष्ट्र।
असम और अब उत्तराखंड, ये सब जगह हारे हैं। अब ये निर्दलियों को मिला के सरकार बनाई, अब ये कह रही है कि ओ हम जीत गए, तो कम से कम आप तो होश में रहो, आप तो सही याद रखो कि वो उनको बहुमत नहीं मिला वहाँ पे। मगर विजय की तरफ पंजाब को लेकर जिस तरह की पंजाब में विजय अकाली दल की है। जी जी, मेरा चैलेंज है कि अकाली दल से भाजपा अलग हो जाए तो एक उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। कहीं और कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो तालमेल करके सत्ता की तरफ बढ़ने के प्रयास है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे क्या लग रहा है कि पंजाब जैसी जगह पर ही हो पाएगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो नहीं हो पाएगा। यहाँ हम उनको साफ कर देंगे। यहाँ आपको विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश में होंगे तो भारतीय जनशक्ति पार्टी इनका सफाईकरण कर देगी? क्योंकि यहाँ त्रिकोण हो जाएगा पॉलिटिक्स में। जी जी, और वो जो त्रिकोण होगा उसमें सबसे ज्यादा जो हानि होगी वो कांग्रेस की भी होगी और भाजपा की भी होगी और अंत में कांग्रेस की होगी। जी, क्योंकि भाजपा तो जनशक्ति में बदल जाएगी 4-5 साल में। अच्छा, वो तो जो अंतिम जो हानि है कांग्रेस की है। जी जी जी, अच्छा वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं, कितनी सफल है कितनी असफल है? देखिए, यहाँ तो सरकार जो चल रही है अटल जी और आडवाणी जी की चल रही। जी जी, क्योंकि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति यहाँ बेचारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे, उसको ना विधायकों ने चुना ना जनता ने चुना। जी, वो अटल जी और आडवाणी जी दिल्ली में फैसला कर लिया, यहाँ विधायकों पर डंडा चला। जी, तो इसलिए सरकार है अटल जी और आडवाणी जी की। और यहाँ अगर सड़क बिजली और पानी का काम जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के 500 तक की आबादी के प्रपोजल 90 दिन में सबमिट किए थे। जी जी, और हमारा लक्ष्य था कि हम 2007 के आते आते सड़कें और 2008 का पहला मतलब महीना आते आते बिजली, जी, बेरोजगारी, तीनों का निदान कर चुके होंगे। बताइए बिजली कितनी मेगावाट बनाई है इन लोगों ने। जी जी, बल्कि इंदिरा सागर प्रोजेक्ट का जितना हमने मेरे हिसाब से स्पीड से बढ़ाई तो विस्थापन भी नहीं कर पाए ठीक से। जी जी, तो इसलिए सड़क बिजली पानी के काम हो चाहे रोटी और रोजगार के काम हो, ये वही रुक गए। इसका जवाब अटल जी और आडवाणी जी को देना पड़ेगा। शिवराज जी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ, लेकिन अभी उनकी औकात में इतनी नहीं मानती हूँ कि मैं उनकी किसी बात का जवाब दूं, क्योंकि अभी उनको विधायकों का समर्थन भी प्राप्त करना पड़ेगा और जनता का भी प्राप्त करना पड़ेगा। अभी तो अटल जी और आडवाणी जी को ही जिम्मा, उन्हीं को जवाब देना है। मतलब एक तरह से शिवराज सिंह जो एक फिगर है, एक नाम है, ये तो एक केवल थोपा हुआ है दरअसल। ये तो आडवाणी जी हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई हुई है। जी 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 जी, तो प्रबुद्ध दर्शकों, उमा जी ने आज हमारे स्टूडियो में पधार कर हमसे बातचीत की। एसआर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना है, उनका नाम श्री राम चैनल है। जी जी, और एसआर की जगह श्री राम ही होता तो और अच्छा लगता सुनने में, ज्यादा मशहूर श्री राम के नाम से। जी जी, बहुत अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा स्टूडियो। मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ, होली की सभी लोग जो बात सुन रहे होंगे उनको आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल के सभी कार्यरत लोगों को भी, उनको सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देती हूं। वैसे उमा जी ने ये शुभकामनाएं मेरे समापन से पहले दे दी। उमा जी, हमारे हर जो टॉक शो होता है, बातचीत होते हैं, उसके समापन में हम हमारे यहाँ आए हुए अतिथि को नमस्कार और वंदे मातरम के साथ कहते हैं श्री राम। आपको भी श्री राम, क्योंकि हमारे चैनल श्री राम। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया प्रबुद्ध दर्शकों। कैसा लगा आपको हमारा बातचीत कार्यक्रम? हम बात कर रहे थे भारतीय जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री उमा जी भारती से, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने जज्बात यहाँ पर अभिव्यक्त किए। एक बार फिर से उन्हें श्री राम, नमस्कार।